हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। होपफुली एकदम बढ़िया ही होंगे। तो आज अपन खेलने वाले एकदम ब्रांड न्यू गेम। तो आप देख सकते हो गेम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मेयो टू के ऊपर बेस्ट है गेम। और ये गेम डेवलप किया है 2019 में, और गेम की स्टोरी लाइन एकदम मस्त है गाइस। और इसके अंदर आपको सारी जनरेशन के पोकेमोन, स्टार्टिंग पोकेमोन स्टार्टर्स देखने को मिल जाएंगे। आप उनमें से अपना पसंदीदा स्टार्टर पोकेमोन चुनिए और इस गेम को खेलिए। गेम काफ़ी ज़्यादा मस्त है। स्टोरी लाइन जब आप इसको खेलोगे, जैसे जैसे आपकी स्टोरी समझ में आएगी ना, तब आपको गेम को खेलने में बड़ा मज़ा आने वाला है। और गेम की ग्राफिक्स काफ़ी अच्छी है, तो मेरे ख्याल से आप इस गेम को एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करना। और मैं आज इस गेम की सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ, तो आप इस सीरीज़ को देखना, इंजॉय करना। और अगर आप मेरे साथ गेम खेलना चाहते हो, तो गेम की लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी है। और डिस्क्रिप्शन में नहीं मिले तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आपको गेम की लिंक मिल जाएगी, तो जाके वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। तो जल्दी से अपन गेम को स्टार्ट करते हैं। गेम स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हमारा एपिसोड, हमारी गेमिंग करी, अरे क्या बोलना जा रहा हूँ मैं यार, चलो गेम, आप वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे मज़ेदार गेम प्ले वीडियो देखने के लिए। तो इस सीरीज़ के मैं एपिसोड बनाने वाला हूँ काफ़ी सारे, तो आप जाके उनको भी देखना। देखना भी बनाऊंगा बनाऊंगा तब आप देखना, ठीक है। तो अभी तो ये मेरा फर्स्ट एपिसोड है, इसको आप देखिए। इसके अंदर ज़्यादा हम कुछ खास करने वाला हूँ नहीं, इसके अंदर मैं छोटा सा एपिसोड बनाने वाला हूँ। इसके अंदर मैं फटाफट से अपना नाम वगैरह सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड के अंदर। तो यहाँ से फटाफट से ओके यहाँ पर आ चुका हूँ। यहाँ पर मैं अपना नाम जल्दी जल्दी लिख लेता हूँ। यहाँ पर ये रहा, ओके बढ़िया, गलत लिख दिया मैंने नाम। यहाँ पे ये आएगा पहले तो, और फिर आएगा ये। तो ये हो चुका है मेरा नाम, एकदम सही सटीक एकदम सही नाम लिखा है मैंने। और फिर इसके बाद में अपन को अपने राइवल का नाम लिखना है, और राइवल का नाम भी मैंने सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने अपना कैरेक्टर एकदम, मतलब कैरेक्टर एकदम धांसू लग रहा है इस गेम का। तो यहीं पे अपन को अपने घर के अंदर ही अपन को अपने स्टार्टिंग पोकेमोन मिल जाएंगे। सब कुछ सही है अपना, ठीक है, सब कुछ अपन को पता है, मेरे को पता है, आप भी देख लेना, आपको भी पता है, पता चल जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास एक पोके टैक्स और एक पोके बॉल रखी है, जिसके अंदर सारे जनरेशन के पोकेमोन हैं, आप जाके सेलेक्ट करना है। और मुझे फायर टाइप पोकेमोन ज़्यादा पसंद है। चारमेंटर के साथ मैंने काफ़ी बार खेला हुआ है, बस जब मैं यूट्यूब पे नहीं था ना, तब मैं गेम खेलता था। तो यहाँ पे मैं चिमचार को सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि चिमचार काफ़ी अच्छा पोकेमोन है और काफ़ी पावरफुल, एक फाइटिंग फायर टाइप पोकेमोन के ऊपर बाद में ज़रूरत पड़ सकती है ना, इसलिए। तो यहाँ से जल्दी से नीचे चलते हैं। और ये नीचे टीम रॉकेट मेरे घर में क्या कर रही है, और ये शायद मेरी मोम को परेशान करने के लिए आया है। तो अभी मैं इनको सबक सिखाने वाला हूँ, यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो ओ शिट, इन्होंने यार मेरी मोम का पोकेमोन चुरा लिया है। तो अब मुझे इन मोम का पोकेमोन लाना पड़ेगा वापस, जिसका नाम है क्लिफेरी पोकेमोन है, वो मेरी मोम का था, जिन्होंने टीम रॉकेट ने उसको चुरा लिया। और अपन उसको ना उसको जाएंगे और उसको सबक सिखाएंगे टीम रॉकेट को। पहले तो अपने पोकेमोन का नाम चेंज करते हैं यहाँ से। तो ये अजीब सा नाम रख रखा है मैंने चिमचार का, मैंने नहीं, उस पोकेबॉल में ही ऐसा नाम था। तो अब इसका नाम अपन रखने वाले हैं, कहाँ गया नाम, FIRE, फायर, मैं इसका नाम फायर रखने वाला हूँ। काफ़ी अच्छा नाम है, आप जो चाहे वो रख लेना, क्योंकि इसकी गेम की लैंग्वेज इंग्लिश में नहीं है, दूसरी लैंग्वेज में है। और यहाँ से अपन फटाफट से अपने पोकेबॉल निकालते हैं। ये भाई साहब अपन को पोकेबॉल देंगे। अब आप बोलोगे आपने तो खेला हुआ है। नहीं गाइस, मैंने गेम पूरा नहीं खेला, ये गेम मैं चौथी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ गाइस, चौथी बार। तीनों बार जो रिकॉर्ड किया ना, एकदम ख़राब रिकॉर्डिंग हुई, मेरी आवाज़ भी ढंग से नहीं आ रही होगी। मुझे लगता है आपकी बार तो शायद आवाज़, मतलब कि मेरी वॉइस अच्छी आ रही होगी, मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी। उसमें तो बिल्कुल भी, यानी सिर्फ गेम का ही साउंड आ रहा था, मेरा साउंड तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा था। तो अभी मैंने थोड़ी बहुत सेटिंग की और फिर उसके बाद गेम रिकॉर्ड किया, तो शायद अब शायद मेरी आवाज़ सही से आ जाए। तो यहाँ पे हमारा जो पोकेमो, ये प्रोफेसर ने पता नहीं क्या किया है। तो यहाँ पे ठीक है, पता नहीं कितनी बार मेरा करेगा ये, चलो ठीक है, यहाँ से ऊपर चलते हैं। तो इन सब के बारे में आपको पता होगा,
ये जैसे पोके सेंटर के ऊपर, जैसे पोकेमोन सेंटर के ऊपर जाते हैं ना, बस वही सिस्टम है यहाँ पे। ये सब, ये ज़्यादा कुछ खास चीज़ें नहीं है यहाँ पे, बस अपन को पोकेबॉल मिल चाहिए थी, वो पोकेबॉल मिल चुकी है और चलते हैं यहाँ से बाहर। मैंने चार चार बार खेला हुआ है तो मैंने इसको एक्सप्लोर कर रखा है, इसलिए मैं दोबारा बार बार करके बोरियत हो जाती है एक एक चीज़ करने में। तो यहाँ से जल्दी से चलते हैं यहाँ से, और यहाँ से मैप उठाते हैं। ये अपने राइवल का घर है जिसके अंदर से अपन को मैप मिलने वाला है। अपना दो मैप मिलेंगे, जो एक तो अपना होगा और एक अपने राइवल को देंगे, ठीक है। अगर मिल जाएगा तो शायद, नहीं, इसमें शायद अपन को एक ही मिलता है जो सिर्फ अपना ही होता है, अपन को गिफ्ट में मिलता है ये मैप, ठीक है। तो यहाँ से आज से अपनी जर्नी स्टार्ट होती है। तो चलो, ओके, चलो यहाँ से फटाफट से चलते हैं। और यहाँ से चलने से पहले मुझे थोड़ी सी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, और इस लफंडर से फटाफट से बातें करनी पड़ेगी। ये बहुत लंबी बातें करता है ये भाई साहब, पूरे गेम के सबसे सब पूरा गेम ही जैसे ये समझाता होगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है। लेकिन लैंग्वेज अलग है तो अपन को समझ में नहीं आता। जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे अपन गेम को देखेंगे। मैं सिर्फ फर्स्ट एपिसोड जहाँ पे एंड, ये से एपिसोड जहाँ एंड करूँगा ना, वहीं तक ही मैंने चार बार वहीं तक ही खेला है, आगे खेला ही नहीं मैंने अभी तक। तो अरे हाँ, यहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, पहले अपन को एक काम करना है। तो गाइस, मैं से बोल रहा हूँ, यहाँ से जब आपको फर्स्ट पोकेमोन मिल जाए और आप जब यहाँ पे आ जाओ ना, तो आप अपने पोकेमोन की थोड़ी सी लेवल बढ़ा लेना, कम से कम 7 लेवल तक तो आपको अपने पोकेमोन को करके ही अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है, वरना आप यहीं पे पहली बार मरते रहोगे। तो पहले इससे तो अपन लेते हैं अपनी फ़िशिंग रोप। तो ये अपन को फ़िशिंग रोप दे दिया गिफ्ट में, कुछ ही मदद नहीं करना, सिर्फ जाके इससे बात करनी है, आपको फ़िशिंग रोप मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये पोकेमोन एनकाउंटर हुआ है, तो मुझे अभी नहीं पकड़ना पोकेमोन। चलो, तो यहाँ से फटाफट से आगे चलते हैं, इससे बच जा, चलो इससे बचेंगे। अपनी फर्स्ट बैटल है, फर्स्ट बैटल तो करेंगे यार, थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड में करते हैं। तो यहाँ पे फायर टाइप मूव अटैक करते हैं। ओके, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसके अंदर आगे जाके अपन को वाटर टाइप पोकेमोन नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है अपन को भाई। चलो देखते हैं आगे, अब आगे होगा जो देखा जाएगा। तो पहले तो अपन आगे चलते हैं यहाँ से। ओके, यहाँ पे कोई पोकेमोन काउंटर हुआ है। ओके, ये नहीं चाहिए मेरे को, बेस्ट टीम बनानी है अपन को अपने गेम में, अपनी इस गेम के अंदर सबसे बेस्ट टीम बना के अपन को चलना पड़ेगा, क्योंकि आगे का अपन को पता नहीं कि क्या होने वाला है। ठीक है, बच गए अपन तो। आगे इधर कोई ज़्यादा खास चीज़ें है नहीं, क्योंकि मैं खेल रखा हूँ ना, इसलिए मुझे पता है ये रहा डॉक्टर साहब। ये डॉक्टर का पता नहीं कौन सा पोकेमोन घूम जाता है, या ये घूमता नहीं है शायद, ये शायद कोई बुरी टीम का, आज इसी बंदे की वजह से अपन ने जो टीम रॉकेट ने है ना, वो अपनी मोम का पोकेमोन चुरा है। अपन को अपनी मोम का पोकेमोन भी वापस लाना है इस टीम से। तो चलो यहाँ से चलते हैं, यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा इस घरों में। मैं बता देता हूँ कहाँ पे ख़त्म किया था मैंने गेम को, वैसे यहाँ पे मैं काफ़ी जल्दी आ गया, नहीं तो अभी तो मैं एपिसोड ही एंड कहाँ करता। चलो कोई ना, पहले तो अपन थोड़ा सा पोकेमार्ट में थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या है आगे, वो तो सीरीज़ में आपको पता चल ही जाएगा करना क्या है। तो यहाँ पे पुशन ने, मैं दो एंटीडोट ज़रूर लूँगा, क्योंकि एंटीडोट का काम बहुत ज़रूरी है गाइस, और पुशन में लेने वाला हूँ 3। वो इसके अंदर पोशन काफ़ी ज़्यादा महंगे बिक रहे हैं और एंटीडोट कम। और यहाँ पे क्या बिकता है, यहाँ पे कुछ है क्या? ठीक है, यहाँ पे HM वगैरह है। अरे यार, फिर से वही वो क्या चल रहा है। और यहाँ पे ये क्या है, पोशंस और एंटीडोट। ओके, ये सेल वगैरह करता है यहाँ पे, कोई नहीं, हमको नहीं बेचना भी कुछ भी। तो अभी तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है पोकेमार्ट के अंदर, चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे इन घरों में कुछ ज़्यादा खास चीज़ें मिलती नहीं है, आप चाहिए तो चेकआउट कर सकते हो। और जाके मैं पहले अपने पोकेमोन को कराता हूँ हील, तो थोड़े से एक्सप्लोर भी कर लेंगे अपन। मुझे पहले पोकेमोन सेंटर ही एक्सप्लोर करना था, देखना था कि आखिर इसके अंदर क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। वैसे ज़्यादा कुछ चेंज हुए हैं तो हो नहीं रखा। ठीक है, चलो इधर से देखते हैं कि क्या करना है, अब ऊपर चलते हैं यहाँ से। ओके, ये दद्दू जी से बात करते हैं। ओके, ये क्या बेचता है भाई, इससे भी चला चेकआउट कर ले। ओके, ये बेरीज वगैरह बेचता है, कोई दिक्कत नहीं, हमको अभी नहीं चाहिए बेरीज, जब चाहिए होगी जब हम बता देंगे, ठीक है।
तो ज़्यादा मतलब अच्छा है, पोकेमोन सेंटर भी काफ़ी अच्छा है, यूनिक सा दिखता है। वैसे सब बाकी पोके सेंटर जैसा दिखता है, लेकिन पता नहीं कोई अच्छे अब मस्त अच्छे से वाइव आती है पोके सेंटर में। तो यहाँ से ये है अपना डेक केयर, डेक केयर है ना ये अपना, देखते हैं जाके अंदर, डेक केयर होना चाहिए। हाँ ये डेक केयर जैसा ये कुछ ये घर है ये किसी का जो यहाँ पर रहते हैं फैमिली वगैरह। डेक केयर नहीं है ये, डे केयर उसे बोलते हैं जो कि पोकेमोन अपने पोकेमोन का ख्याल रखते हैं, अपन पकड़ने बाद यहाँ पे छोड़ जाते हैं उसको डे केयर बोलते हैं, जो अपने पोकेमोन की ख्याल रखता है। यहाँ पे भी कुछ नहीं है, इन लड़कियों से मैं पहले ही बात कर चुका हूँ तो ये कुछ ज़्यादा खास बताती नहीं है स्टोरी। वैसे भी अपन को लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही तो अपन कहीं को करें यहाँ पर बात। और मैंने दो तो क्या चार चार बार इस गाँव को एक्सप्लोर कर रखा है। अंदर चलते हैं यहाँ से, ये इनसे शायद मैंने नहीं की थी, चलो इससे भी थोड़ा सा बात कर लें। कुछ ज़्यादा खास नहीं देंगे, मुझे पता ही है, बाद में काम आएगा यहाँ पे। और इन आंटी जी से तो कभी मैंने बात ही नहीं की, ठीक है नहीं करना, चलो चलते हैं यहाँ से। तो गाइस आज का एपिसोड मैं यही एंड करने वाला हूँ, क्योंकि आज का और मैं जो चार बार मैंने इस गेम को खेला है ना, वो यहीं तक ही खेला है, आगे तक मैंने खेला नहीं है। बस सपोज़ कि अभी की बार भी वॉइस अच्छी तरह रिकॉर्ड हो जाए तो बड़ा मज़ा आ जाए। तो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और गेम को डाउनलोड करना है वो भी कमेंट सेक्शन में पिन है, जाके वहाँ से डाउनलोड करना। लेकिन अच्छा सा एक प्यारा सा कमेंट करने के बाद, कोई भी कमेंट, लेकिन कमेंट करा करो यार, थोड़ा बहुत तो कमेंट कर ही दिया करो यार। देखो ऐसे आपके भाई का चैनल तो थोड़ा सा तो कमेंट बनता है ना, तो चलो कमेंट कर दिया करो, हाय हेलो कुछ भी कर दिया करो, गुड मॉर्निंग वगैरह, गुड नाइट, जो आपके मन में, इंग्लिश भी ना आए तो कुछ भी लिख के सेंड कर दिया करो। इससे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ भाई अपनी वीडियो को लोग देख रहे हैं, ऐसा थोड़ा सा अंदर से फीलिंग वीलिंग आ जाती है। और हाँ वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, पसंद आता है तो आपको गेम, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।